Hey guys, welcome back again to Tag Earning Support YouTube channel, जहां आपको मिलते हैं फ्री एयरड्रॉप एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनका अभी जस्ट टेस्टनेट जो है वो लाइव हुआ है, जिसमें हमें थोड़ा सा वर्क करना है एंड यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर आप वर्क करेंगे, यहाँ पे फ्रेम का पब्लिक टेस्टनेट वर्जन 1 जो है वो लाइव हो चुका है, जिसका पोटेंशियल रिवॉर्ड जो है वो हम ये कह सकते हैं कि मिल सकता है, क्योंकि ये जो है वो लेयर 2 सॉल्यूशन पे बेस है, इसका खुद का ब्लॉकचेन है, तो इसलिए ये यहां पर हमें जो है वो रिवॉर्ड दे सकता है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे इसके कुछ क्वेस्ट को कंप्लीट करना है, जैसे कि यहाँ पे ये आपको क्वेस्ट मिल जाते हैं और फ्रेम के टास्क को कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ पे आके सबसे पहला काम रहेगा आप अपने मेटामास्क वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और लेवल्स को यहाँ क्वेस्ट को कंप्लीट करते हुए आपको यहाँ पे एक्सपी जो है वो अर्न करते रहना है। तो जैसे कि फर्स्ट जो है वो यहाँ पर ये है कि ब्रिज टू फ्रेम टेस्टनेट आपको यहाँ पे करना है, जिसके 10xp आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सो गाइस सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको फ्रेम टेस्टनेट का जो ये यहाँ पे चेन है, नेटवर्क जो है, इसको ऐड करना है आपको। तो सिंपली अपने मेटामास्क वॉलेट को आपको ओपन करना है और जब आप यहाँ पे वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फ्रेम टेस्टनेट जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दे दूंगी। नेटवर्क ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे सपोलिया फॉसेट पे आना है। यहाँ पर आने के बाद कुछ गैस फीस के लिए आपको फॉसेट ले लेना है, सिंपली सेंड मी ETH। सो गाइस बस आपको यहाँ पे 0.45 ETH मिल जाएगा सेपोलिया पे। मैं आपको यहाँ पे 3 से 4 फॉसेट की लिंक दूंगी सेपोलिया के, अगर किसी एक में प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पे ट्रिंगल से कर लीजिएगा। ट्रिंगल से बहुत इजीली यहाँ पर जो है टास्क मेरा कंप्लीट हो गया जब मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया, तो आप भी इसी को यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके ब्रिज पर आना है। ब्रिज पर आने के बाद जैसे कि क्वेस्ट 1 का टास्क है, ब्रिज करना है आपको फ्रेम टेस्टमेट पर सेपोलिया टू फ्रेम। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे पास जितना है, जैसे 0.4 है, तो मैं कम से कम यहाँ पे जो डिपॉजिट है आप 0.1 कर लीजिएगा, तो मैं 0.11 ले लेती हूँ यहाँ पे और इसको डिपॉजिट के सेक्शन पे क्लिक कर देती हूँ। कुछ टेस्टनेट पे गाइस किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस जो ट्रांजेक्शन हुई उसको मैंने कन्फर्म कर दिया। वेट, सो बस गाइस यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब आपको यहाँ पे मेन पेज पर आना है, यहाँ पे इसे प्रोसेस करना है, कंप्लीट करना है, तो इन प्रोग्रेस के सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। ये बोलेगा यहाँ पे नेटवर्क को चेंज करने के लिए, सो अगेन फ्रेम टेस्टनेट हमें यहाँ पर करना है। देन सिंपली हमारे पास आ जाएगा क्लेम बैस का ऑप्शन, आपको यहाँ पे इसे क्लेम कर लेना है। नाउ सक्सेसफुल, नाउ फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड। सो नाउ सेकेंड इज मिंट योर फर्स्ट NFT। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको आना है और हर एक की आपको गाइड भी यहाँ पर मिल जाएगी जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको फ्रेम टेस्टनेट के एक्सप्लोरर पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद एक कॉन्टैक्ट एड्रेस को आपको सर्च करना है, जो कि इन्होंने गाइड में यहाँ पर दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको सभी लिंक यहाँ पर दे दूंगी। सिंपली आप इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से कॉपी कीजिएगा, कॉपी करने के बाद आपको इस पेज पर आना है। यहाँ आने के बाद आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये यहाँ पे इस तरीके से सर्चिंग होगा, डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट का सेक्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, आपका वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे कनेक्टिंग में प्रॉब्लम चल रही है कि मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने इनके डिस्कॉर्ड पे भी जाके देखा तो यहाँ पे NFT ब्रिज में प्रॉब्लम आ रही है और कनेक्टिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जब ये इशू जो है सॉल्व हो जाएगा तो आप डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एडमिन भी यही कह रहे हैं कि हमें पता है अभी इसमें क्या चल रहा है, इशू चल रहा है कि वॉलेट हमारा
कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इसके एक्सप्लोरर पे। तो टास्क बता देती हूँ, जब ये एक्टिव हो जाएगा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंपली यहाँ पर आना है, आने के बाद में आपको राइट के सेक्शन पे क्लिक करना है, वर्ल्ड को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको दिखेगा वन कॉम्पिटेटिव NFT, सिंपली आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको वैल्यू 1 डाल देनी है और यहाँ पे राइट का जो सेक्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। पहले वर्ल्ड कनेक्ट होगा, 1 लिखने के बाद राइट के ऑप्शन पे क्लिक करती है आपके पास यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगी, आपको उसे कंफर्म कर देना है। तो ये यहाँ पे 1 NFT टास्क आपका मिंटिंग का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अगेन इस पेज पर आना है, यहाँ आने के बाद प्रोग्रेस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और जैसे कि अभी हमने किया था क्लेम बैज वो आपको यहाँ पे कर लेना है रिफ्रेश एलिजिबिलिटी करने के बाद। तो ये सेकंड टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड टास्क का, डेलीगेट योर वॉलेट। डेलीगेट के लिए भी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का सेक्शन दिख रहा होगा, आपको पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। जब आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाए उसके बाद यहाँ पे टैप टू स्टार्ट डेलीगेट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में डेलीगेट अ वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेट्स आपको इस सेक्शन पे क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ वॉलेट वाले सेक्शन में आपने जिससे ये कनेक्ट कर रखा है और जिससे आप ये टेस्टनेट ज्वाइन कर रहे हैं, क्वेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप वॉलेट एड्रेस अपना पेस्ट कर दीजिएगा। जी नहीं गाइस, आप यहाँ पे अपना एड्रेस मत डालिएगा क्योंकि जब हम अपना एड्रेस ही यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं तो डेलीगेट के लिए आ ही नहीं रहा है, मतलब आप कोई दूसरा एड्रेस डालिएगा। तो जैसे कि मेरा ये मेटामास्क वॉलेट है, तो जो मैंने कनेक्ट कर रखा है, जो मैंने फ्रेम के क्वेस्ट पे कनेक्ट कर रखा है, खुद के ही वॉलेट को हमें यहाँ पे डेलीगेट नहीं करना है। तो मैं कोई भी दूसरा डेमो वॉलेट ले लेती हूँ मेरा, तो मैंने यहाँ पे ये डेमो वॉलेट ले लिया मेरा। सिंपली मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके यहाँ पे आ गया सबमिट डेलीगेट, तो आपको इसको डेलीगेट करना है, कंफर्म करना है ट्रांजेक्शन, सिंपली कंफर्म। तो गो टू माय प्रोफाइल एंड डेलीगेट अनदर व्यू ट्रांजेक्शन, तो गो टू माय प्रोफाइल, सिंपली मैं यहाँ पर आ गई। तो ये वाला जो एड्रेस और जो है ये मेरे पास आ गया है कि मैंने इसको यहाँ पर डेलीगेट किया है। सो बस गाइस अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ डेलीगेट योर ऑप्शन पे, प्रोग्रेस के सेक्शन पे क्लिक किया, रिफ्रेश एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लेम बेस का ऑप्शन आ गया, इसको भी मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिया। सो इजीली गाइस आपका थर्ड टास्क भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क है आपका फोर्थ टास्क एंड फिफ्थ टास्क, तो रिवोक एन अप्रूवल एंड ब्रिज एन NFT विथ LJET लेयर 0। वाओ, यहाँ पर आइए मैं गाइड को ओपन कर लेती हूँ, फॉलो करती हूँ और आपको बताती हूँ। सो गाइस सिंपल है, रिवोक अप्रूवल करने के लिए अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप रिवोक करने के लिए जैसे इन्होंने बता रखा है कि हमें यहाँ पे रिवोक जो है वो revoke.cash पे करना है, पर रिवोक करने से पहले हमको अप्रूवल देनी होगी। तो अप्रूवल देने के लिए इन्होंने बोला है कि अप्रूवल देने के लिए आपको इस एड्रेस पर जाना है, तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास में कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा क्वेस्ट 4 NFT का। यहाँ आने के बाद अगेन सेम काम ही करना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाना है, राइट पे आना है, वॉलेट को कनेक्ट करना है। सेम इशू आ रहा है, वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि हमारा टास्क 2 नहीं हो पा रहा है सेम। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये 6 वाला दिख रहा है ना, सेट अप्रूवल फॉर ऑल, आपको इस सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक और यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दूंगी, आपको इसको यहाँ पे कॉपी करना है और सेकंड फील्ड में क्या लिखना है, इन्होंने बोला ट्रू लिखना है सेकंड फील्ड में, ट्रू एंड ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, यहाँ पे आने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसकी जगह हमने यहाँ पर दिया, पेस्ट कर दिया इसको और यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू और सिंपली देन फिर राइट के सेक्शन पे क्लिक करना है। पर प्रॉब्लम बस यही है कि वॉलेट एक बार कनेक्ट हो जाए तो सारे टास्क हो जाएंगे, बस फिर आप जब राइट पे क्लिक कर देंगे तो एक बार अप्रूवल चला जाएगा, आपके वॉलेट में कन्फर्मेशन आएगी इस तरीके से आएगा, जिसमें आके आपको बोलेगा कि एक्सेस दे रहे हैं आप इसको, इसको कंफर्म कर देना है। और जब एक बार अप्रूवल हो जाए उसके बाद आपको revoke.cash पे जाना है, यहाँ पे आके आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो माय अप्रूवल के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, तो क्वेस्ट 4 NFT यहाँ पे आ जाएगा आपके अप्रूवल्स में। अभी तो मैंने कोई अप्रूवल नहीं दिया क्योंकि वॉलेट ही कनेक्ट नहीं हुआ हमारे अप्रूवल्स पे, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा जैसे कि इनके यहाँ पे शो हो रहा है, इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है वॉलेट कनेक्ट हुआ। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में आप क्लिक करेंगे माय अप्रूवल पे, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा क्वेस्ट 4 NFT इस तरीके से। तो इसको यहाँ पे रिवोक के सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है और इसे रिवोक कर देना है, बस फिर इसके यहाँ पे रिफ्रेश एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे आके इस बैच को भी क्लेम कर लेना है। आई एम सॉरी गाइस, पर गलती बस इतनी सी है कि यहाँ पर ये वॉलेट कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। जब ये इशू सॉल्व हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी, सिंपली आपको यही टास्क यही परफॉर्म करने हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप।
जो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है गाइस, तो आप भी नज़र रखिएगा, अगर आपको अपडेट मिले कि कनेक्टिंग की इशू ख़त्म हो गया है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी तो वेल टाइम है, बट हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट टास्क जो करना है वो फिफ्थ टास्क है, ब्रिज एंड NFT विथ लेयर जीरो। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, अगेन यहाँ पर गाइड के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में स्विच टू सपोलिया के ऊपर बोल रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए एंड सिंपली मिंट फ्री NFT। एक बार जब सेपोलिया के नेटवर्क पे आपकी NFT मिंट हो जाए, उसके बाद में आपको इसे ब्रिज करनी है लेयर जीरो पे। तो ब्रिज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ट्रांजेक्शन आएगी, आपको सिंपली इसे कंफर्म करना है। इट विल टेक सम टाइम, जस्ट वेट हियर। नाउ शोइंग हियर सक्सेसफुली ब्रिज स्विच टू फ्रेम। फ्रेम पे आने के बाद में यहाँ पे क्लेम बेस का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लेम बेस कन्फर्म। सो या यू कैन सी ब्रिज एंड NFT विथ लेयर जीरो इज कम्प्लीटेड। तो ओनली टू टास्क बचे, वो भी यहाँ पर केवल वो NFT वाले में इशू है। जब स्टार्ट हो जाएंगे मैं बता दूंगी, आप इनको कर लीजिएगा। साथ ही इन टास्क को करने के बाद आपको वेरीफाई करने हैं गैलेक्स पे, इनका गैलेक्स भी है गाइज। तो आप यहाँ पे आएंगे तो ये फ्रेम का मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप वीक वन जो हमने कंप्लीट कर लिया, इसको ओपन करेंगे, इसको क्लेम कर लीजिएगा पॉइंट्स को, एंड बस आपको टिक करते जाना है। यहाँ पे टू हमारा हुआ नहीं है, थ्री भी आप यहाँ पे कंप्लीट करके टास्क को यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका पॉइंट्स क्लेम। रिवोक हमारा हुआ ही नहीं है, ब्रिज वाला टास्क हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सिंपली हम यहाँ पर आए, इसको यहाँ पे इस तरीके से रिफ्रेश किया, टिक हो गया, एंड इसको भी आप पॉइंट्स को क्लेम कर लीजिएगा। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्टनेट फीडबैक का आपको ऑप्शन मिलेगा, इनके डिस्कॉर्ड पे यहाँ पे आइएगा और क्विज 2 और 4 के बारे में आप भी बोलिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट गाइस, हम यहाँ पे एक अपडेट की बात करेंगे जो कि टाइको की साइट से आ रही है। टाइको का बैक टू बैक हम यहाँ पे टेस्टनेट के टास्क को परफॉर्म करते रहते हैं, आपको इसकी वीडियोस भी मिलती रहती है। तो यहाँ पे अब एक न्यू टास्क जो है गैलेक्स पे टाइको का आ चुका है, उसको आप कंप्लीट करेंगे। तो सिंपली ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, डिस्कॉर्ड का मेंबर बनना है। जैसे ही आप डिस्कॉर्ड के मेंबर बन जाएंगे, आप टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। 22nd of December तक है, उससे पहले पहले काम कर लीजिएगा, बहुत इजी टास्क हैं सारे। देन यहाँ पे बिकम अ टाइको ट्विटर फॉलोअर्स वाले टास्क रहेंगे जो आप अपने यहाँ पर कर रखे होंगे, तो सिंपली इनको वेरीफाई करते जाइएगा। सिंपली फॉलो, लाइक, रीट्वीट ये सब करने के बाद में टास्क को आपको वेरीफाई कर लेना है। क्लेम 20 points या नेक्स्ट बाजी। नेक्स्ट इसके बाद में ये रीड वाला टास्क है, ये तो आप इजिली कर ही लेंगे। एंड सिंपली क्लेम फन बॉक्स। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे कुछ क्विज पूछे जाएंगे, आपको इसके रिप्लाई करने हैं, तो सिंपली इनको क्लिक करना है हमें। स्टार्ट के सेक्शन पे हमने क्लिक किया, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सिंपली इनके आंसर्स देने हैं। एंड इसको सबमिट कर देना है, तो ये आपके आंसर सही होंगे तो आपका ये क्लेम करने के लिए आ जाएगा। मैं आंसर्स आपको पोस्ट में ही दे दूंगी ग्रुप में, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टास्क का अगेन आपको बस विजिट करना है इनकी वेबसाइट पर। यहाँ पे आएंगे, आपको लिंक मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा, ये ओपन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आके इसको टिक कर दीजिएगा एंड पॉइंट्स को वन बॉक्स को क्लेम कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगेन आपके पास यहाँ पे क्विज है, चलिए इसको ओपन करते हैं और क्विज के आंसर्स देते हैं। सिंपली स्टार्ट, सो इनके आंसर्स हम वन बाय वन देते जाते हैं। एंड डन एंड क्लेम 30 points। नेक्स्ट क्विज आ जाता है मिंट अ डॉट टाइको डोमेन नेम, तो इसको ओपन करते हैं। ये भी 12th of September तक है, पहले आपको इन सबको फॉलो कर लेना है। सो बस गाइस, ट्विटर के टास्क को करने के बाद डॉट नेम के डिस्कॉर्ड को यहाँ पे ज्वाइन करना है, वेरीफाई कर लेना है, टिक कर देना है। अब यहाँ पे इनकी वेबसाइट को विजिट आपको करना है, विजिट करने के बाद इसको भी टिक कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है डॉट नेम पे, तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। यहाँ पर आना है, रजिस्ट्रेशन करना है किसी भी नेम से, वो कनेक्ट योर वॉलेट
तो गाइज आपके पास यहाँ पे आएगा क्रिएट अ स्मार्ट वॉलेट। स्मार्ट वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, कंटिन्यू कर लीजिएगा जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके पास में वॉलेट कनेक्ट करेंगे आप। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो आप बस उसको टिक टिक करते जाइएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में आपको कोई भी नेम सर्च कर लेना है यहाँ। सो गाइज मैंने नेहा 444 यहाँ पे सर्च किया, सर्च करके यहाँ पे अवेलेबल आया। इसके ऊपर यहाँ पे हमने क्लिक किया। फॉर वन ईयर यहाँ पे बताया कि आपको इतनी फीस देने होंगे, तो मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 ईयर का कर देती हूँ। और सिंपली हम रजिस्टर के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, इसको हम कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका वॉलेट कनेक्ट रहेगा ना, जो नेटवर्क रहेगा टाइको जॉइंटर का रहेगा L2, जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। सिंपली इसको कंफर्म कर दीजिएगा, जस्ट वेट कीजिएगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने का। ये टास्क भी हमारा कंप्लीट। सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे पॉइंट्स को क्लेम कर लीजिएगा। सो गाइज ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे ये सारे टास्क कंप्लीट हो गए। किस तरीके से क्या करना है सब मैंने आपको यहाँ पे लाइव करके बता दिया है। तो ये जो अपडेट है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और सारे टास्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक और टास्क रह गया है हमारा, क्रिएट अ पार्टिकल वॉलेट। पार्टिकल वॉलेट वी हैव ऑलरेडी, बिकॉज पार्टिकल वॉलेट को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, माई शेल में यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसके टास्क देख लेते हैं एक बार करना क्या है। यहाँ पे आपको पार्टिकल का डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, पार्टिकल को ट्विटर पे फॉलो करना है, लॉग इन क्लास मेन ट्रांजेक्शन। ओके चलो फटाफट करते हैं। तो बस का इन टास्क को कंप्लीट करने के बाद सोशल लॉग इन करना है, ग्लासेस मिंट एंड ट्रांसफर पार्टिकल। तो ये यहाँ पे ओपन हो गया। फॉलो के बाद ये यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन देगा, आपको इसे कनेक्ट करना है और जिससे आपका पार्टिकल वॉलेट है उससे लॉगिन करना है। तो बस गाइज आपकी ईमेल पर एक कोड आएगा, उसको वेरीफाई कराते ही पासवर्ड देने के बाद आपका वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ग्लासेस मिंट के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। सो गाइज सिंपली आपके यहाँ पे गैसलेस ट्रांसफर जो है ईजिली हो जाएगा। उसके बाद में प्लीज़ एंटर योर वॉलेट यूज इन गैलेक्स। सिंपली हमने एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन ट्रांसफर के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, अगेन इसे कन्फर्म करते हैं, जस्ट वेट करेंगे। अगर आपके एरर भी आए ना यहाँ पे मिंट में और ट्रांसफर में, तो आप ट्राई करते रहिएगा बार बार, एंड मेक श्योर कि आपका जो नेटवर्क है मेटामास्क में टाइको जॉइंटर L2 ही रहे, ठीक है। और अगर आपके एरर आए तो पेज बार ट्राई करते रहिएगा, रिट्राई करते रहिएगा, हो जाएगा। नाउ टास्क कंप्लीटेड। तो बस गैलेक्स पे जाके इस टास्क को भी हमें कंप्लीट कर लेना है। सो बस गाइज यहाँ पे देखिए मेरे सारे टास्क जो है वो पार्टिकल के भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप TS हेल्प ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू एयर ड्रॉप न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।